नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आज हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ेंगे। उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे पहले हम उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध हमने पढ़ लिया, और आज सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में देखेंगे। इम्पोर्टेंट नियम ही है, इसको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपको क्लियर रूप से याद हो जाएगा। तो शुरू करता हूँ मैं इसको। देखो, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन गोसेन ने किया था 1854। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया? गोसेन ने। कब? 1854 में। 1854 में गोसेन ने प्रतिपादन किया, ठीक है? नंबर दो इसमें ध्यान रखना है, 1854 में गोसेन ने तो इसका प्रतिपादन किया था, इसी वजह से जेवंस ने इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा था। जेवंस ने इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम नियम, गोसेन का प्रथम नियम किसे कहा जाता है? गोसेन का प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, तो ध्यान रखना। गोसेन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। किसने कहा ये? जेवंस ने। जेवंस ने इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा। जेवंस ने इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम गोसेन ने ही इसका प्रतिपादन किया था, इस वजह से जेवंस ने कहा कि ये तो गोसेन का प्रथम नियम है। और मार्शल ने इस नियम की विस्तृत व्याख्या की थी। मार्शल ने इसकी विस्तृत व्याख्या की, तो यहाँ पे नोट कर देते हैं, मार्शल, प्रोफेसर मार्शल, मार्शल ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। तो इसकी विस्तृत व्याख्या किसने की? मार्शल ने। इस नियम को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पूर्ण संतुष्टि का नियम या पूर्ण तृप्ति का नियम। इसे पूर्ण संतुष्टि का नियम या पूर्ण तृप्ति का नियम भी कहा जाता। तो ये चार बिंदु हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले 1854 में गोसेन ने इसका प्रतिपादन किया। 1854 में गोसेन ने इस नियम का प्रतिपादन किया, इसी वजह से जेवंस ने कहा कि ये तो गोसेन का प्रथम नियम है। और मार्शल ने इसकी विस्तृत व्याख्या की, और इस नियम के अन्य नाम है पूर्ण संतुष्टि का नियम या पूर्ण तृप्ति का नियम भी इसी नियम को कहा जाता है। तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपयोगिता विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है इस नियम की। तो अब इसको डिटेल से देखते हैं, इस नियम की व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार, ये नियम बताता है कि इस नियम के अनुसार जब अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है, यानी एक वस्तु की मात्रा को लगातार बढ़ाया जाता है, तो एक बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। अर्थात सीमांत उपयोगिता अंततः अवश्य घटती है। अगर हम लगातार किसी एक वस्तु को काम लेते ही जाएंगे, लगातार उसकी इकाइयों में वृद्धि करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता में निश्चित रूप से गिरावट होगी। जैसे हम दो वस्तुओं की बात करें, एक एक्स वस्तु
और एक वायु वस्तु। जिस वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन कर रहे हैं यानी जिसको घटा या बढ़ा रहे हैं तो वो परिवर्तनशील वस्तु कहलाएगी, और जिस वस्तु की इकाइयों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना तो घटाया जा रहा ना बढ़ाया जा रहा, तो वो कहलाएगी स्थिर वस्तु। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे वाई वस्तु को स्थिर मान लिया और एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, एक्स वस्तु की मात्रा को लगातार बढ़ा रहे हैं, तो एक्स वस्तु की मात्रा को हम बढ़ाएंगे, वाई वस्तु की मात्रा को स्थिर रखकर वाई के साथ और वस्तुएं भी हमने स्थिर रख रखी हैं, वाई वस्तु की मात्रा को स्थिर रखकर हम एक्स वस्तु की मात्रा को लगातार बढ़ाएंगे, तो इसकी सीमांत उपयोगिता, किसकी, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में निश्चित रूप से गिरावट आएगी, यह नियम इस बात को बताता है। तो इसकी परिभाषा रहेगी, जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रख, जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो अंततः उसकी सीमांत उपयोगिता में कमी होती है, अंततः उसकी सीमांत उपयोगिता में क्या होती है, कमी होती है, अर्थात गिरावट होती है। अब इसकी परिभाषा हम बोल्डिंग के अनुसार देख लेते हैं, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार बोल्डिंग के अनुसार प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार बोल्डिंग कहता है कि जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है, यानी उसकी मात्रा को लगातार बढ़ाता है, तो एक बिंदु के बाद तो अंततः उसकी सीमांत उपयोगिता में क्या होती है, कमी होती है, गिरावट होती है, ह्रास होता है, अर्थात गिरावट होती है यानी कमी होती है, तो ये ह्रास माना जाएगा, ह्रास का मतलब होता है कम होना, अर्थात का मतलब कमी, तो उस वस्तु की मात्रा में क्या होती है, गिरावट होती है, और इसी वजह से इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा को मैं नोट कर देता हूँ, जब उपभोक्ता, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार परिभाषा है, जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि करता है तो अंततः उसकी सीमांत उपयोगिता में ह्रास होता है या कमी होती है, अंततः उसकी सीमांत उपयोगिता में कमी होती है। सीमांत उपयोगिता में क्या होती है, कमी होती है, अतः यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या फिर ऐसे कहते हैं इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है, इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। तो प्रोफेसर बोल्डिंग बताते हैं कि जब अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है, यानी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो एक बिंदु के बाद यानी अंततः उसकी सीमांत उपयोगिता अवश्य घटती है, और इसी कारण इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है, यानी सीमांत उपयोगिता में क्या होती है, गिरावट होती है। यहाँ पे बोल्डिंग ने एक शब्द काम लिया है, परिवर्तनशील साधन या परिवर्तनशील वस्तु। जैसे मान लीजिए हम परिवर्तनशील वस्तु की इकाइयों की बात करें, तो देखो
प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर परिवर्तनशील वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है, परिवर्तनशील वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है तो अंततः उसकी सीमांत उपयोगिता में क्या होती है, कमी होती है, गिरावट होती है, ह्रास होता है और इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। तो यहाँ पे परिवर्तनशील वस्तु की बात करें, परिवर्तनशील वस्तु जैसे हम एक एक्स वस्तु कह रहे हैं, एक्स वस्तु और एक वाई वस्तु, तो जिस वस्तु की मात्रा में हम परिवर्तन कर रहे हैं वो परिवर्तनशील वस्तु कहलाएगी, यानी जिस वस्तु की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं या घटा, जिसमें या तो उसमें वृद्धि की जा रही है या कमी की जा रही है तो वो परिवर्तनशील वस्तु कहलाएगी, और जिस वस्तु की मात्रा को स्थिर रखा जा रहा है यानी जिस वस्तु की मात्रा में ना वृद्धि की जाती ना परिवर्तन किया जाता है, ना वृद्धि की जाती है ना कमी की जाती है, तो ये परिवर्तन ये क्या क्या कहलाएगा, स्थिर साधन कहलाएगा। तो परिवर्तनशील साधन कौन सा हुआ, जिस वस्तु की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा रहा है, परिवर्तनशील साधन हुआ, और जिस वस्तु की मात्रा को स्थिर रखा जा रहा है यानी जिस वस्तु की मात्रा में ना वृद्धि की जा रही है ना कमी की जा रही है तो स्थिर साधन या स्थिर वस्तु कहलाती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा है कि जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर, जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु की यानी परिवर्तनशील वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है, परिवर्तनशील वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है तो अंततः एक बिंदु ऐसा आता है कि उसकी सीमांत उपयोगिता में निश्चित रूप से गिरावट होती है, उसकी सीमांत उपयोगिता में निश्चित रूप से गिरावट होती है और यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखेंगे, कोई एक वस्तु काम लेंगे और उसको लगातार हम काम लेते ही जाएंगे, एक इकाई के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह से हम इकाइयों में वृद्धि ही करते जाएंगे तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता निश्चित रूप से घटेगी। जैसे जैसे मान लीजिए हम सेव की पहली इकाई काम लेते हैं तो इसकी वजह से हमें उपयोगिता मान लीजिए 50 यूटिल्स मिलती है, दूसरी इकाई काम लेते हैं तो भी मान लीजिए 50 यूटिल्स प्राप्त हो रही है, लेकिन हम तीसरी इकाई काम लेंगे तो 50 से कम होगी, यानी लगातार हम किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करते जाएंगे, लगातार किसी वस्तु की इकाइयां हम काम लेते ही जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी सीमांत उपयोगिता में कमी होगी। ये सभी वस्तुओं के ऊपर लागू होता है, लेकिन शर्त ये है कि हम उस वस्तु की जब तक इकाइयों में वृद्धि करते जाएंगे जब तक सीमांत उपयोगिता में गिरावट नहीं हो जाती, यानी लगातार एक इकाई, दो इकाई, तीन, चार, पाँच, छः, सात, जितने इकाइयों हम काम ले सकते हैं तो निश्चित रूप से एक बिंदु ऐसा आएगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता अवश्य घटेगी और यही कहलाता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसको तालिका और रेखा चित्र से देख लेते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को तालिका व रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं, तालिका व रेखा चित्र। वस्तु की इकाइयों को क्वांटिटी लिखा है क्यों से और सीमांत उपयोगिता को हमने लिखा एम यू, सीमांत उपयोगिता। वस्तु की इकाइयां हम ले रहे हैं 0 से 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। देखो शुरू में हम सीमांत उपयोगिता में क्या लिख देंगे, डैश, शुरू में डैश लगा देंगे। एक इकाई पर मान लीजिए सीमांत उपयोगिता मिल रही है 30 यूटिल्स, दूसरी इकाई काम लेंगे तो ये कम हो जाएगी, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, तो मान लीजिए 20 प्राप्त हो रही है। तीसरी इकाई जब काम लेते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता घट करके कितनी हो जाती है, 10 यूटिल्स, और जब चौथी इकाई काम लेते हैं तो हमारी उपयोगिता 0 हो जाती है और नंबर 5 पे ये घट करके और कम हो जाती है, सीमांत उपयोगिता और कम हो जाती है। कौन सी इकाई पर, 5वीं इकाई पर ये ऋणात्मक हो रही है, तो सीमांत उपयोगिता में लगातार गिरावट हो रही है, सीमांत उपयोगिता लगातार घट रही है। 0 पर डैश लगाया, फिर हमने एक इकाई काम ली तो 30 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली, दूसरी इकाई काम ली तो 20 यूटिल्स, तीसरी इकाई काम ली तो 10 यूटिल्स और चौथी इकाई पर हमारी 0 हो गई, 5वीं इकाई में हम ऋणात्मक हो गए, यानी सीमांत उपयोगिता हमारी ऋणात्मक हो गई यानी माइनस में चले गए हम। ठीक है, अब इसको हम रेखा चित्र से स्पष्ट कर लेते हैं, तो रेखा चित्र बनाएंगे, ये y अक्ष पर हम लेंगे सीमांत उपयोगिता यानी एम यू को हम ले रहे हैं y अक्ष पर, और ये x अक्ष पर हम दर्शा रहे हैं वस्तु की इकाइयां यानी क्वांटिटी मात्रा, और यहाँ पे 0 लिखेंगे हम, 0 से ऊपर ये प्लस का मान रहेगा, अगर हमें माइनस की ज़रूरत पड़ेगी तो 0 से नीचे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए
जीरो यानी क्वांटिटी है 0 से 5 तक। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 तक यहाँ लिख देंगे। और MU सीमांत उपयोगिता में हमें प्लस में तो लिखना है 30 तक। सीमांत उपयोगिता 0 से और 30 तक, ये तो प्लस की होगी 10, 20, 30, ये प्लस के मान हो गए, ये 0 और 0 से नीचे माइनस के। तो माइनस के मान हमें नीचे दर्शाने हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें 0 से नीचे रेखा को भी बढ़ाना पड़ेगा। 0 से नीचे ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाएंगे, तो यहाँ पे 0 से नीचे माइनस वाले रहेंगे, 0 से ऊपर प्लस वाले मान रहेंगे। तो अब हम प्लस वाले मान को ऊपर लिखेंगे, यानी 30 तक हमें ऊपर लिखना है। तो 10-10 का गैप देता हूँ मैं, 10, ये 20 और ये हो गया हमारा 30, ये 0 हो गया। और 0 से नीचे माइनस, यहाँ हमने 10-10 का अंतराल लिया है, तो माइनस वाली संख्या में भी हम 10-10 का अंतराल ले लेंगे, तो यानी माइनस का 10 लिखते हैं, ठीक है। अब 0 पर तो डैश, 0 पर डैश है छोड़ दीजिए, 1 पर कितना है 30, 1 पर हमें 30 दर्शाना है, तो ये 30 हो गया, ठीक है। 2 पर हमें 20, 2 की सीध में हमें 20 तक जाना है, 2 पर हो गया हमारा 20। और 3 पर 10, 3 पर हमारा हो गया 3 पर 10। और 4 पर 0, 4 पर ये 0 हो गया। और 5 पर माइनस, 5 पर माइनस 10, तो ये बिंदु आ गया। इनको हम मिला देंगे इस तरह से, और ये हमारा MU वक्र बन करके तैयार हो जाएगा। 1 पर 30, 2 पर 20, 3 पर 10 हो गया, 4 पर 0 हो गया, 5 पर माइनस का 10 हो गया। तो इस तरह से इन सभी बिंदुओं को हमने मिला दिया, तो ये सीमांत उपयोगिता वक्र बन करके तैयार हो गया। तो इस तरह से देखो, सीमांत उपयोगिता प्रारंभ में यानी शुरू से ही घटती जाती है, घटती जाएगी, एक बिंदु पर 0 होगी। और उसके बाद भी यदि हम अतिरिक्त इकाई का उपयोग करेंगे, यानी लगातार वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करेंगे, तो ये माइनस में चली जाती है, यानी ऋणात्मक हो जाती है। इसी को हमने यहाँ पे रेखाचित्र से दर्शाया है। रेखाचित्र बताता है कि सीमांत उपयोगिता में लगातार गिरावट हो रही है, एक बिंदु पर ये शून्य हो जाता है, और उसके बाद भी हम वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पार्ट हम कल देखते हैं। थैंक यू।